हाय आकाश। हाय सुरभि। गुड न्यूज। क्या? मल्होत्रा का टेंडर हमें मिल गया है। सीरियसली? यस। और इस पे साइन कर देता हूँ। श्योर। सुरभि तुमने क्या किया मेरे लिए मुझे नहीं पता। मैं कितने दिन से एफर्ट कर रहा था इसके लिए। थैंक यू सो मच। सुरभि आज मैं बहुत खुश हूँ। मल्होत्रा के टेंडर दिलवाने में तुमने बहुत एफर्ट्स किए। थैंक यू सो मच। थैंक यू की क्या बात है, कंपनी सिर्फ तुम्हारी थोड़ी ना, मेरी भी तो है। हाँ सही है। सुरभि मुझे तुमसे कुछ कहना है। बोलो। एक्चुअली आई रियली लाइक यू। आई लाइक यू सो मच। सीरियसली? नमस्कार, मैं अभिनव पराशर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। सच अक्सर सच वो नहीं होता जो हमको दिखाई देता है। कई बार लोग झूठ को भी सच समझने की गलती कर बैठते हैं और ये गलती उनके लिए बहुत महंगी साबित होती है। हमारी आज की कहानी भी ऐसे ही दो दोस्तों पर आधारित है जिनकी दोस्ती सिर्फ एक झूठ की वजह से तार तार हो गई। यार आकाश अपनी लाउड म्यूजिक बंद कर, मेरा सर फटा जा रहा है। ए भाई क्या हो भाई? तुझे पता है मॉर्निंग में मुझे लाउड म्यूजिक चाहिए, फिर आज इतना फ्रस्ट्रेट क्यों हो रहा है? यार मुझे ऑफिस जाना है, प्रेजेंटेशन देना है, तुझे एक कुछ बोल ही नहीं सकता हूँ मैं। अरे यार तू तो भड़क रहे हो बिना बात के, पूरी जिंदगी काम करोगे तो यही हाल होगा। सुन लाइफ में थोड़ा चिल मार, फिर शाम को ना मेरी एक फ्रेंड आ रही है, हैंग आउट कर, तू भी जल्दी आ जा, फिर हम तीनों मिलके पार्टी करेंगे। चल ना जल्दी आ जाना। आकाश ये है सुरभि, और सुरभि ये है आकाश जिसके बारे में तुम्हें बता रहा था। हाय सुरभि। हाय। अच्छा बैठो फटाफट। हाय आकाश। हाय सुरभि। नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू। अच्छा वो आप ही हैं जिनके बारे में रात इतनी तारीफ करते हैं। अच्छा yes. वो एक्चुअली हम दोनों बेस्ट फ्रेंड है ना, इसलिए बोल रहा हूँ। You're looking so hot. Thank you and you are looking so beautiful. Thank you so much. अरे ओ तुम दोनों इतने घुल मिल गए पहली मुलाकात में, यार मुझे ही भूल गए है ना? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा तुम दोनों ना बातें करना बंद करो और सुरभि तुम इसके लिए एक पैक बनाओ। हाँ Yes. Hello.
आज का ये जाम नई दोस्ती के नाम। यार कल तो मजा आ गया बहुत। Yeah, it was really nice. सच में मुझे तो बहुत मजा आया। तुम दोनों की कंपनी मुझे बहुत पसंद आई। इससे पहले मुझे कभी ऐसा नहीं लगा। अच्छा तो तुम्हें आकाश की कंपनी बहुत पसंद आई है। ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर कैसी बात है? प्लीज हाँ तंग मत कर। यार मैं चलता हूँ, मुझे ना एक शूट पे जाना, मैं निकलता हूँ ये। चलो बाय बाय दादा। अच्छा ठीक है, ओके बाय। सो वैसे तुम क्या करती हो? कुछ खास नहीं, IIT कंपनी में जॉब करती थी पर अभी तो छोड़ दी है। एक अच्छी जॉब और एक अच्छा घर तलाश रही हूँ। तो तुम ऐसा क्यों नहीं करती हो कि हमारे साथ रह लो और हमारी कंपनी में एक वैकेंसी है, चाहो तो तुम ज्वाइन कर सकती हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इट्स ओके। इट्स ओके। राज का फोन। सुरभि, राज बोल रहा हूँ। हाय राज। सुरभि, इतने दिन हो गए, तुमने अभी तक आकाश की प्रॉपर्टी के पेपर में साइन क्यों नहीं करवाए? क्यों परेशान होते हो? और तुम तो जानते हो कि सुरभि के जाल से कोई भी मछली बच नहीं सकती इतनी आसानी से। एक हफ्ते का समय दो। एक हफ्ता करते करते 2 महीने हो गए हैं सुरभि। बहुत ही जल्दी तुम्हें उसकी प्रॉपर्टी के कागजात मिल जाएंगे। ओके बी कूल, मैं करती हूँ काम। हाँ ठीक है यार, मैं कभी इस प्रॉपर्टी का मालिक बनूंगा यार, और कब मैं और सुरभि एक हो जाएंगे। हाय शर्मा। हेलो राज। उस टेंडर का क्या हुआ है? हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं मगर कुछ हो नहीं रहा। यार मैंने मल्होत्रा को बहुत बार मेल कर चुका हूँ, और कोशिश करो प्लीज, ये टेंडर हमारे हाथ से जाना नहीं चाहिए। आपने मल्होत्रा से बात की क्या? मुझे कुछ भी नहीं पता है, कैसे भी करके कोशिश करो ये टेंडर हाथ से जाना नहीं चाहिए। आपने टेंडर के लिए किसी को बोला था ना? हाँ मुझे पता है, मैंने सुरभि को बोला हुआ है और वो मल्होत्रा के टच में है। ठीक है सर, हम कोशिश करते हैं। ठीक है, ओके बाय। हाय आकाश। हाय सुरभि। गुड न्यूज। क्या? मल्होत्रा का टेंडर हमें मिल गया है। सीरियसली? यस, और इस पे साइन कर देता हूँ। श्योर। सुरभि तुमने क्या किया मेरे लिए मुझे नहीं पता, मैं कितने दिन से एफर्ट कर रहा था इसके लिए। थैंक यू सो मच। सुरभि आज मैं बहुत खुश हूँ, मल्होत्रा के टेंडर दिलवाने में तुमने बहुत एफर्ट्स किए। थैंक यू सो मच। थैंक यू की क्या बात है, कंपनी सिर्फ तुम्हारी थोड़ी ना, मेरी भी तो है। हाँ सही है। सुरभि मुझे तुमसे कुछ कहना है। बोलो। Actually, I really like you. I like you so much. Seriously? सुरभि।
राज तुम? और इस टाइम पे शराब पी कर आयो तुम? ये ऑफिस आवर्स है, क्या कर रहे हो तुम? मुझे बेवकूफ बना रही हो तुम? अभी तक तुमने प्रॉपर्टी के पेपर पे साइन क्यों नहीं लिया? राज मैंने कहा है ना कि मैं ले लूंगी, मुझे थोड़ा समय दो। बहुत टाइम दे दिया मैंने तुम्हें, अब मैं तुम्हें 2 दिन देता हूं। अगर तुमने साइन नहीं करवाए तो ये वीडियो मैं सबको फॉरवर्ड कर दूंगा। समझी? प्लीज राज ऐसा मत करना, तुम होश में नहीं हो। राजीव भाई ये इस वीडियो को वायरल मत करना प्लीज। राज मैं करवा दूंगी तुम्हें, साइन करके पेपर्स दे दूंगी बहुत जल्दी। मैं बहुत कमीने किस्म का इंसान हूं, और अगर मैंने जिसे चाहा वो मुझे नहीं मिलेगा तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। क्या करूं मैं, क्या करूं क्या करूं? ये राज तो अपनी औकात पे आ गया है, ये वीडियो अगर उसने वायरल कर दिया तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। मुझे कुछ तो करना होगा। नहीं सुरभि, नहीं सुरभि, कुछ तो करना होगा। यस। आकाश आया होगा शायद। क्या वो सुरभि, बहुत परेशान दिख रही हो तुम? नहीं ऐसी कोई बात नहीं। झूठ मत बोलो, कुछ तो हुआ है ना? ऐसा क्यों लग रहा तुमको? राज आया था, उसने तुमसे कुछ बोला? मैं ये बात तुम्हें पहले ही बता देना चाहती थी। क्या बात? एक्चुअली राज ने ही मुझे तुमसे कहा था रिलेशनशिप में आने में। क्या? क्योंकि वो चाहता था तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाए। प्रॉपर्टी? और उसने हम दोनों की पर्सनल वीडियो शूट कर लिए, और वो धमकी दे रहा था कि अगर मैंने वो पेपर्स उसको नहीं दिए 2 दिन के अंदर तो वो वीडियो वायरल कर देगा। क्या? सारे ने अपनी औकात दिखा दी। डोंट वरी, मैं जैसा तुमको बोलता हूँ तुम वैसा करो। तुम उसको कॉल लगाओ और उसको यहाँ पे बुलाओ। हेलो राज, तुम्हारा काम हो गया, तुमने बोला था ना 2 दिन के अंदर, मैंने साइन ले लिया है, तुम जल्दी से आ जाओ। और हाँ वो चिप लेते आना और मैं तुमको पेपर्स दे दूंगी। ठीक, ओके। पेपर कहाँ पे? बैठो, देखिए चिप कहाँ? पेपर दो। चिप दो ना, पेपर दे रही हूँ मैं। चिप मिल जाएगी, पहले पेपर दो। कहाँ है पेपर? पेपर दो। आकाश तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? साले कमीने, औकात दिखा दी ना तुमने, अच्छी दोस्ती दिखाई तूने। सारे तेरे साथ क्या नहीं किया मैंने, औकात दिखा दी ना तूने। उन्होंने मिलके मुझे धोखा दिया। हाँ मैंने धोखा दिया? सारे आज तक ऐश करता रहा मेरे पैसे से। राज, राज सुरभि प्लीज दे। आकाश ही क्या हो गया, अब क्या होगा? रुको, मैं अपने वकील को फोन लगाता हूं। हेलो शर्मा साहब,
मुझसे एक मर्डर हो गया। हाँ रात का, प्लीज आप जल्दी आइए प्लीज। इसे कहते हैं एक तीर से दो निशान। अब ना ही राज रहा और ना ही आकाश रहे। कौन कहता है कि दोस्ती से बड़ा रिश्ता नहीं होता? छोटे प्यार से सब कुछ हथिया लेने में जो मजा है, उसकी तो बात ही अलग है। राज और आकाश एक लंबे अरसे से एक दूसरे के साथ रह रहे थे, फिर भी कभी वो एक दूसरे को समझ नहीं सके। अक्सर इंसान प्यार में इतना अंधा हो जाता है कि वो सही और गलत में फर्क नहीं कर पाता। अगर आकाश ने अपने अंधेपन में जल्दबाजी का कोई फैसला ना लिया होता तो आज इस कहानी का अंत कुछ और ही होता। आपसे एक बार फिर से मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सतर्क रहें और होशियार रहें। जय हिंद।